सहारनपुर के शीतलपुर का रहने वाला गुरदीप सिंह पिछले 14 साल से इंडोनेशिया की जेल में बंद है। मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में उसे फांसी की सजा मिली है। अब उसके परिवार वाले भारत सरकार से उसे वापस भारत लाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल 14 साल पहले पैसा कमाने के लिए इंडोनेशिया के लिए अपनी पत्नी और 4 साल की बेटी के साथ वो घर से निकले थे। 6 महीने बाद बेटी और पत्नी को वापस भारत भेज दिया। इसी बीच वो एक पाकिस्तानी नागरिक जुल्फिकार अली के संपर्क में आया और 2004 से मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में इंडोनेशिया पुलिस की गिरफ्त में है। तब से वो जेल में ही बंद है। उनकी माँ हरजिंदर कौर और पिता गुरदेव सिंह भारत सरकार से अपने बेटे को सकुशल वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिन लोगों को सजा मिली गुरविंदर के साथ ही, उनमें से 3 को गोली मारकर मौत की सजा दे दी गई है। तो फिलहाल अभी सजा टली है, खत्म नहीं हुई है गुरदीप सिंह की, लेकिन परिजनों को अब भी उम्मीद है, सरकार से आस लगाए बैठे हैं। ये विनती है कि उसे छोड़ दिया जाए। इधर सुषमा स्वराज जी से कल बात हुई है हमारी, कल शाम के टाइम 6:30 बजे उन्होंने पूरा भरोसा दिया है हमें कि उसे किसी भी तरीके से छोड़ लिया जाएगा वहाँ से। जी बच्चे हैं 2, एक लड़का है एक लड़की है। असि यही प्रकार करते हैं, साढ़ा बच्चा सही सलामत घर आ जाए, बस सानू यही है कि असं भी जीते जी अपने बच्चे देख लीए। 13-14 साल हो गए गए, बैंक कसूर फसाया गया।